चंडीगढ़ में अक्सर मौसम अच्छा ही रहता है, हफ्ते में 2-3 दिन तो मौसम अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय रेंज बहुत करीब है, चंडीगढ़ हिमालय की फुटफुटीज पे है, दैट इज ऑन शिवालिक रेंज फुटी, तो यहाँ पे क्लाउड्स और बारिश बहुत नॉर्मली होती रहती है, और यहाँ की बारिश का अपना ही मजा है, स्पेशली जब आपकी दीदी आपके साथ हो। लेकिन अभी ऐसा मौसम है ना, ना तो ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्मी, मेरा तो बारिश में भीगने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं भीग नहीं सकती, मैं बीमार हो जाऊंगी, लेकिन आई लव रेन। चंडीगढ़ की ऐसे बारिश को हमारे साथ एंजॉय करने के लिए हमारी वीडियो के एंड तक बने रहिए, एंड प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल मीशो ट्रेवल एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस रेनी मौसम में हमने सोचा हम आपके लिए एक अच्छा सा ब्लॉग बना लें। गाइस अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और चंडीगढ़ में कार में गेड़ी लगाने का मजा ही कुछ और है। बारिश के टाइम गेड़ी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज बहुत अच्छी है, आप आराम से अपने गेड़ी लगा सकते हो, तो जहाँ पे आफ्टर रेन जो ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी वो बहुत कम चांसेस है कि आपको किसी और शहर में देखने को मिलेगी, लाइक बॉम्बे दिल्ली, वो बहुत क्राउडेड सिटीज है, अगर वो आफ्टर रेन अच्छी हो जाती है तो चंडीगढ़ कितना अच्छा हो जाता है, यू इवन कैनॉट इमेजिन, आप उसको यहीं पे आगे इमेजिन कर पाओगे। तभी तो हम कहते हैं चंडीगढ़ पे आना तो बनता है। तो गाइस अभी हम चाय पीने जा रहे हैं, ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा ही कुछ और है। चाय कल्चर तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है कि जब बारिश पड़े पकौड़े और चाय तो आपके हाथ में होने चाहिए, तो चंडीगढ़ की बारिश में हम भी अक्सर चाय पीने के लिए निकल जाते हैं, तो आज भी हम निकले हैं, तो चाय के साथ कोशिश करेंगे आपको सेक्टर 17 दिखाएं, और उसके बाद हम जाएंगे प्रे आपको जंगल सैलेड खिलाने, क्योंकि वो जंगल से पत्ते बुत्ते तोड़ के सैलेड बनाते हैं आपके लिए, तो वो सैलेड आपको टेस्ट करवाएंगे और वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होने वाला है। सो गाइस दिस इज अ सेक्टर 102। तो गाइस ये चाय पानी यहाँ पर एक बूथ है, तो हम वहाँ की अब चाय टेस्ट करेंगे। मैं एक चाय ऑर्डर करके आया, एक समोसा चाट ऑर्डर करके आया, क्योंकि पंजाब वाले चाय नहीं पीते, पंजाब वाले चाय पीते हैं, नाल समोसा खाते हैं, बस उन्होंने अपन दोनों चीजें टेस्ट करवानी है, और साथ में मैं आपकी लास्ट चंडीगढ़ गेड़ी कल्चर के व्यूज भी चेक कर रहा हूँ कि कितने आए हैं, कोशिश करो गाइस वो वीडियो भी आपने हिट करा दी है। प्लीज जितना आप सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, और हम उतनी ही अच्छी अच्छी चीजें और नई चीजें आपके लिए लेके आते रहेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है इससे, लेकिन हमारी बहुत हेल्प होती है। यस, अब हमारे पास आई है समोसा चाट एंड उसके साथ मसाला चाय, मसाला चाह आई है पीने वास्ते। आई डोंट नो अब मेहू इसको कैसे खाएगी, ये दोनों हाथों बुकड है, मैं सामान पकड़ूंगा नहीं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, तो लेट्स सी मेहू खा के दिखाओ। मैं कैसे खाऊं, मेरे तो दो ही हाथ है। फिर आप ही ने कहा था कि ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो। सो गाइस चाय पीने का मजा ही कुछ और है। दिस चाय इज फ्रॉम चाह पानी, एयरपोर्ट रोड पे है ये चाह पानी। इनके समोसा चाट एज कम्पेरिजन जो छोटा बनारस बहुत अच्छी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चने डाले थे, ना कर्ड डाली, ना चटनी डाली, एक हरी चटनी डाली हुई थी, लेकिन जब समोसे के अंदर चने जाते हैं, कर्ड जाती है, चटनी जाती है, अनार के कुछ पीसेस जाते हैं और सेब भी डाली हुई है इन्होंने, तो ऑटोमेटिकली टेस्ट बन जाता है। दिस इज देसी स्टाइल टू मेक समोसा चाट, लेकिन वो अंग्रेजी स्टाइल में पता नहीं स्ट्रीट कैफे बोल के पूरी चीजें डालते नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ना वो टेस्ट बनता नहीं है। कितना भी पिज्जा पास्ता खा ले, लेकिन स्ट्रीट फूड ही होता है, विच इज एवरग्रीन, कितनी मर्जी बात खिला लो हम खुश होके खाएंगे, पिज्जा पास्ता से तो मैं बोर हो जाती हूँ, है ना। समोसा से आई डोंट थिंक तू बंदा बोर होएगा, समोसा तो हमारे इंडिया के सबसे फेवरेट डिशेस में से एक है, गेस्ट आया हो या नहीं आया हो, समोसा इज बेस्ट ऑप्शन पेड़ बनने के लिए, और ये सारे खुश होके खा भी लेते हैं। अगर कोई घर पे गेस्ट आया और हमें कोई चीज ना मिल रही हो बाहर से, ऐसा कोई हो जाए सिचुएशन, तो समोसा मंगवा लो और साथ में चाय, स्पेशली बारिश में समोसा और चाय या पकौड़ों से अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। गाइस अगर आप चंडीगढ़ आना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से आपको चंडीगढ़ की बहुत इजीली फ्लाइट मिल जाएंगी, बसेस के भी यहाँ तक रूट हैं, और बाय ट्रेन भी यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो अगर आप हिमाचल में शिमला या फिर मनाली जाना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप चंडीगढ़ में एक या दो दिन जरूर स्पेंड कीजिए। अगर आपको शिमला वगैरह आना है किसी भी कॉर्नर से इंडिया के, चंडीगढ़ की फ्लाइट ही आपको लेनी पड़ेगी,
और इसी एयरपोर्ट रोड से होते हुए आपको हिमाचल हरियाणा या पंजाब से कनेक्टिविटी मिलेगी। आज के टाइम में एयरपोर्ट डेवलप तो होने पे है, यहाँ पर बहुत सारे 5 स्टार्स एंड मॉल्स की ऑप्शंस आ रही हैं। जो हमने आपको लास्ट वीडियो में CP67 मॉल भी आपको हमने वीडियो में दिखाया था, तो वो भी एयरपोर्ट रोड पे ही बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते तो हमारी वीडियोस को जरूर देखिए। तो आज के टाइम में ज्यादातर लग्जरी जो ऑप्शन है चंडीगढ़ के वो एयरपोर्ट रोड पे मिलेंगे। ऑफकोर्स जो आप नेचुरल ब्यूटी फाइंड आउट कर रहे हो वो आपको चंडीगढ़ ही मिलेगी, तो आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आइए और यहाँ पे एयरपोर्ट रोड पे कुछ लग्जरी टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद आप शिमला के लिए ट्रेवल कर सकते हो या चंडीगढ़ में भी एक नाइट स्पेंड कर सकते हो या कसौली भी आप जा सकते हो। हमारी कसौली की वीडियोस भी बहुत जल्दी आपके पास आएंगी, क्योंकि हमारा अगला ट्रिप जो हमारा प्लान है वो कसौली का है।